Hello student, myself Mohammad Azhar Ali, lecturer of Department of Computer Science of Karim City College. आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज सीखेंगे बहुत सारे डिफरेंट SQL फंक्शन, जिसको आप इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं और एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं. ये फंक्शन आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो निकालेगा. तो अब आप लोग देखेंगे किस तरीके से आप इसमें काम करेंगे. ये देखिए, दिस SQL बिल्टिंग फंक्शंस एंड ग्रुप फंक्शंस, जिसे आप ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं. और इसके बारे में बताया गया है, SQL हैज मेनी बिल्टिंग फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग ऑन अ स्ट्रिंग ऑन नेमली डेटा. तो जो बिल्टिंग फंक्शन जो होता है, जिसको आप एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं, वो एक्चुअल में न्यूमेरिक डेटा पर काम करता है, साथ ही साथ स्ट्रिंग डेटा पर भी काम करता है, दोनों पे काम करता है. यहाँ देखिए, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑल यूजफुल SQL बिल्ट इन फंक्शन. बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, एक्चुअली बहुत ही हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जितना उतना ही हम बताने जा रहे हैं आपको. पहला है SQL काउंट फंक्शन. SQL काउंट फंक्शन क्या है? SQL काउंट एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए डेटाबेस टेबल. काउंट फंक्शन जो होता है वो काउंट करता है नंबर ऑफ रोज इन ए डेटाबेस को. जितना सारा फंक्शन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद. नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन. SQL मैक्स एग्रीगेट फंक्शन अलाउज अस टू सेलेक्ट द हाइएस्ट मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन कॉलम. अगर कोई कॉलम है उसमें हमको हाइएस्ट वैल्यू निकालना है, जैसे मार्क्स एक कॉलम है उसमें 10 रिकॉर्ड 10 वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे? मैक्स फंक्शंस. उसी तरीके से आपको SQL मीन फंक्शन, द मीन एग्रीगेट फंक्शन अलाउ अस टू सिलेक्ट लोअर, जिसको मिनिमम कहते हैं, वैल्यू फॉर अ सर्टेन कॉलम. किसी भी कॉलम में अगर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसको लोएस्ट वैल्यू कहते हैं, उसको अगर निकालना है, तो हम लोग मीन फंक्शन यूज करते हैं. जिस तरीके से हम लोग मैक्स यूज करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मीन फंक्शंस. नेक्स्ट है एवीजी फंक्शन. एवीजी फंक्शन क्या बोलता है? द SQL एवीजी एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट द एवरेज वैल्यू फॉर ए सर्टेन टेबल कॉलम. किसी भी कॉलम में जो भी वैल्यू है, जैसे मार्क्स है या नंबर है या सैलरी है, उसका हमको एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एवीजी फंक्शन. इसका फुल फॉर्म है एवरेज. नेक्स्ट है सम फंक्शन. द SQL सम एग्रीगेट फंक्शन अलाउज सेलेक्टिंग द टोटल फॉर ए न्यूमेरिक कॉलम. किसी भी कॉलम के वैल्यू को हमको टोटल करना है, जोड़ना है, जैसे 10% का सैलरी हमको टोटल जोड़ना है, हम क्या करेंगे? सम करेंगे, ब्रैकेट में सैलरी लिख देंगे. ये क्या करेगा? पूरे को जोड़कर वैल्यू दे देगा. नेक्स्ट है SQRT functions. ये क्या होता है? दिस इज यूज टू जनरेट ए स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर. किसी का भी स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, तो आप फंक्शन यूज कीजिएगा SQL में, दैट इज कॉल्ड SQRT. आप लोग C++ में पढ़े होंगे ये फंक्शन SQRT. रैंड फंक्शन. दिस इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर यूजिंग SQL कमांड. रैंडम नंबर अगर जनरेट करना है, तो आप रैंड फंक्शन यूज करेंगे. SQL concatenate function. This is used to concatenate any string inside any SQL command. SQL command में कोई भी string को हमको concatenate करना है, तो हम यूज करेंगे concat command. SQL numeric function. Complete list of SQL function required to manipulate numbers in SQL. ये आपको numeric function के लिए हम लोग यूज करेंगे. तो ये सारा, जितना सारा हम लोग फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम लोग वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज SQL काउंट functions. देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है. SQL काउंट फंक्शन इज द सिंपलेस्ट फंक्शन एंड वेरी यूजफुल इन काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न बाय द सेलेक्ट स्टेटमेंट. काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं. सपोज कीजिए कि आपका एक डेटाबेस है. डेटाबेस में सपोज कीजिए रोल है, नेम है, मार्क्स है. मार्क्स में हमसे एंट्री किए हैं 10 रिकॉर्ड का एक है, उसमें मार्क्स हमने एंट्री किया है सिर्फ 8 रिकॉर्ड. सपोज कीजिए 8 रिकॉर्ड यूज किए गए, तो हमको मालूम करना है कि एक्चुअल में मार्क्स कितना एंट्री है. तो हम लोग क्या यूज करेंगे? काउंट यूज करेंगे. काउंट करने के बाद ब्रैकेट में
मैक्स यूज करेंगे, तो ये क्या होगा कि आपको काउंट करके मैक्स आपको बता देगा कितना रिकॉर्ड इसमें एंट्री किया गया है। तो काउंट फंक्शन जो है वो दो तरीके से हम यूज करते हैं, एक होता है रो के लिए होता है, एक कॉलम के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो सिंटेक्स यूज किया है, एक काउंट एस्ट्रिक, एक दूसरा है काउंट कॉलम नेम। तो देखिए दोनों का अलग अलग यूज है। जैसे कि हमको रो वाइज काउंट करना है, जैसे सपोज कि आपने एंट्री किया 10 रिकॉर्ड्स, हमको मालूम करना है कि आपके डेटाबेस जो आप क्रिएट किए हैं उसमें एक्चुअल रिकॉर्ड कितना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो ये आपको बता देगा कि 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड से कितना रिकॉर्ड है उस डेटाबेस में। लेकिन अगर हमको उस पार्टिकुलर टेबल में किसी फील्ड के बारे में अगर हमको मालूम करना है कि उस फील्ड में कितना रिकॉर्ड है, तो उसको मालूम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो कॉलम, उस पार्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू है उसको काउंट करना है, तो काउंट ब्रैकेट में कॉलम यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो पार्टिकुलर कॉलम को काउंट करके बताएगा कि उसमें कितना वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट दो तरीके से करते हैं, एक रो वाइज होता है और दूसरा होता है आपको कॉलम वाइज। अब हम इसको देखेंगे, इसका सिंटेक्स देख चुके हैं, ये दो सिंटेक्स सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ये दोनों तरीके से आप करेंगे। ये एक एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं आपको, टू अंडरस्टैंड काउंट फंक्शन कंसीडर द एम्प्लॉय टेबल व्हिच हैज द पॉइंटर। ये टेबल एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है। Now suppose based on the above table you want to count total number of rows in the table, then we can do it as follow. Select count bracket में asterisk from table. जैसा कि हमने बताया, अगर हम लिखें count asterisk, that means उसमें कितना records है, कितना row है, उसको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर इसका answer दे रहा है 7। ये देखिए इसके ऊपर आपको यहाँ देखिए total 7 record है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम count asterisk करेंगे तो इसका value 7 ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर काउंट एस्ट्रिक के साथ एक हमने कंडीशन लगा दिया है, सिलेक्ट सिमिलरली इफ वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ज़ारा देन इट कैन बी डन एज फॉलो, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम जो भी है वेयर नेम इक्वल टू ज़ारा, जिसका जिसका नाम ज़ारा है उसको काउंट करके बताओ। तो यहाँ पर दो होंगे ज़ारा, इसलिए इसे यहाँ 2 दिया। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले टेबल में देखिएगा, यहाँ ज़ारा यहाँ पर कितने बार है, ZA, तो जिसका जिसका नाम ज़ारा है उसको काउंट करके ये बता रहा है, ठीक है। नोट, ऑल एसक्यूएल क्वेरीज आर केस इंसेंटिव एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट गिव्स ज़ारा और ज़ारा इन एनी वेयर इन द कंडीशन, आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल सेशन है जिसको हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दिया है साथ ही साथ उसमें आंसर भी दिया है, और उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके, जैसा कि हमेशा हमने जितने एसक्यूएल में क्वेरीज करके बताया है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक डेटाबेस है, सपोज कीजिए काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल स्टूडेंट, इसमें कितना रिकॉर्ड है उसको बताइए, तो सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट देंगे। काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द कॉलम नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर नेम में कितना रिकॉर्ड लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में नेम फ्रॉम स्टूडेंट। Count the number of record in the table student whose name is Raj. तो हम लिखेंगे select count bracket में name from student where name equal to Raj. तो इन तीनों को हम लोग practical करके आपको बताएंगे। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको बताया था last class में भी आपको, कि यहाँ सबसे पहले हम लोग SQL ओपन करेंगे, आप सभी को मालूम है कैसे ओपन करते हैं, स्कॉट देन लिखेंगे टाइगर, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल हम ले लेते हैं, पहले से भरा हुआ है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू, पहले से एक रिकॉर्ड बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, हम इसलिए इसी को देखकर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये डेटाबेस स्टूडेंट है, रोल सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, रोल नेम मार्क्सली दिया हुआ है, हमको काउंट करना है कितना रिकॉर्ड है, कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हमने बताया सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू। आप देखेंगे
कि टोटल रिकॉर्ड यहाँ 6 है, हमने लिखा सेलेक्ट फॉर्म ब्रैकेट में आस्टिक फ्रॉम स्टूप 2, तो इसने आंसर क्या दिया 6। इस तरीके से आप इसके रिकॉर्ड को मालूम कर सकते हैं आपका डेटाबेस कितना है। नेक्स्ट है, सपोज कीजिए कि हमने इस पर एक कमांड एक और यूज किया, सेलेक्ट नेम ब्रैकेट में सेलेक्ट काउंट काउंट ब्रैकेट में नेम ब्रैकेट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है स्टूड टू। यहां देखिएगा, यहां पर देखिए इस डेटाबेस में चूंकि रिकॉर्ड 6 है इसलिए 6 दिया है, यहां पर इसमें एंट्री हमने टोटल ही कर दिया है इसलिए 6 दिया। कहीं आप जब डेटा बेस बनाएगा जो रिकॉर्ड एंट्री कीजिएगा तो उसमें रिकॉर्ड एक कम दे दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका रिकॉर्ड कितना आता है। सपोज कीजिए अगर आप एक और रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं, इंसर्ट इन टू टेबल का नाम क्या है स्टूड टू वैल्यूज, सपोज हमने 7 दिया कॉमा, यहाँ दिया आस, यहाँ नाम नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ हमने दे दिया सपोज नल दे दिया कॉमा 28 दे दिया, ठीक है। तो अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूड टू, ये रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टूड टू, अगर हम लिखेंगे तब ये रिकॉर्ड क्या देगा 6 देगा, क्यों यह देखिए हमने एंट्री नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है राजमोहन आसिफ यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर एंट्री नहीं किया, रिकॉर्ड क्या दिया 6 दिया। तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक और कमांड उन्होंने बताया था कि आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर नाम जैसे राज को हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखे सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हमने लिखा राज, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में राज, ये क्या हुआ, ये क्या बता रहा है कि आपके डेटाबेस में कितनी बार राज लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राज यहाँ पर 2 बार है, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू राज, इट गिव्स राज। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर फंक्शन का समझ में आया होगा। एक वन बाई वन स्टेप करके हम आपको फंक्शन के बारे में अच्छे तरीके से फिर और जितने सारे फंक्शन उसको बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।